क्यों हमें मार रहे, कम से कम उन लोगों के ऊपर तो FIR हो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रताप है सर। सर एक मेरा 50 गज की कुआं से कोई आता है वो पीट के चला जाता है, शाम को आता है वो पीट के चला जाता है, थाने में जाते बोलते ऊपर जाओ किसी से लिखवा के लेके आओ, किससे लिखवा के लेके आए हो? तीनों बच्चों को लेके कभी वहां भागता हूँ कभी वहां भागता हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है साहब। अभी यहाँ भी अभी एप्लीकेशन दिया तो एक अभी एप्लीकेशन दिया लेके साइड में रख दिया, कोई सुनी नहीं रहा है, नहीं तो तुरंत एक्शन होता, उठाए जो हमें मार रहे कम से कम उनके ऊपर तो FIR हो। पुराने खड़े हो जाओ तो साफ ला रहे खड़े हो जाओ। स्कूल जाते हैं अभी ये बच्ची जाती है सर, ये बच्ची स्कूल जाती है। मेरा नाम प्रताप है। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा एक छोटा सा 50 गज का प्लॉट था ग्राम मुबारकपुर में, उसकी 2018 की रजिस्ट्री है प्लस सब कुछ है, तो उसमें सारा कुछ हुआ था मेरी गर्ल, यानी उन्होंने बोल दिया कि इसकी जांच कराइए। सब मैंने पटवारी से थानाबोज से जितने भी हैं सबसे जांच करा के, सर उसमें यही हो रहा है कि सर मेरे प्लॉट में जबरदस्ती दूसरों का कब्जा हो रहा है। हाँ सर वो मेरे साथ कुछ मारपीट कर रहे हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस की जो लेडीज हैं वो हैं, एक राजबाला है और उसका पति सुभाष है और सुमन है, उसका पति वो है रेवती है और एक हरीश है, ये सब मेरे साथ दबंगी कर रहे हैं और डेली हमारे साथ मारापीटी करते हैं। तो अभी आप कहाँ हो? सब मैं अभी उसी मकान में एक कोने पे आराम से खाट डाल रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं अभी आप कहाँ? साहब हम अभी ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं, कभी हम SHO के पास जाते हैं वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी, जाते हैं उन लोगों के पास तो वो कहते हैं वहाँ से लिखवा कर लेके आओ, SDM के पास जाते हैं तो वहाँ से बड़े अधिकारी से लिखवा कर लेके आओ, सर हम चारों तरफ भागे फिर रहे हैं। अभी हमारे अभी हम आपके ये SDM ऑफिस आए सर। अभी आप किससे मुलाकात? एसडीएम साहब ने बोला है कि आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास के और हमें इंसाफ मिलेगा और अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आप। अच्छा क्या हुआ फिर? तो हमने बोला DM साहब से कि साहब आप वहाँ पर जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज हम यहाँ मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेंगे। अच्छा तो DM साहब ने क्या बोला? DM साहब ने बोला कि आप घबराओ मत ना, आपको बिल्कुल तसल्लीपूर्वक आपको इंसाफ मिलेगा, और उन्होंने बोला है कि अभी मैं लेटर लिखवा देता हूँ आपके साथ अभी सुनवाई।